वरसाद ने लेने हवामान विभागे महत्वपूर्ण आगाही करी छे। अरबी समुद्र में सीस्टम बनी होवाथी वरसादी माहौल रहेशे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वरसाद पड़शे। तो जणावी दईए त्रण दिवस सुधी तापमान में घटाड़ा पछी फरी तापमान में वधारो पण नोंधाशे। गुजरात में सरेराश करता 25% वधु वरसाद थयो छे, त्यारे नवसारी सुधी चोमासाए विदाय लीधी होवानुं पण तारण मानवामां आवी रह्युं छे। जो मॉनसून विड्रॉल की जो पोजीशन है वो नवसारी तक जो है मॉनसून विड्रॉ कर लिया गया है गुजरात से, बट आने एक सिस्टम जो है वो अरेबियन सी में जो है अभी बना हुआ है। एक वेल मैक लो प्रेशर एरिया जो है इस सेंट्रल अरेबियन सी में अभी बना हुआ है ऑफ कर्नाटका कोस्ट, गोवा कोस्ट के आसपास। सो वो उस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से जो है गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के जो दक्षिणी हिस्सों में जो कोस्टल एरियाज हैं तथा साउथ गुजरात के जो है कोस्टल एरियाज और सदर्न गुजरात के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल वार्निंग अगले 4 दिनों के लिए जो है कुछ हिस्सों में जारी की गई है। अगर हम हैवी रेनफॉल वार्निंग की बात करें सो डे 1 के लिए बात करते हैं तो उसमें साउथ गुजरात में जो है नवसारी डांग वलसाड दमन दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कुछ हिस्सों में जो है एक आध जगह हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। बाकी सदर्न गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है लाइट रेन अदर पार्ट में हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ के भी जो है सदर्न हिस्से में लाइट रेन की संभावना है। साथ ही डे 2 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो साउथ गुजरात में सूरत तापी नवसारी वलसाड डांग दमन दादरा नगर हवेली में जो है 2, 3 और 4 चौथे दिन तक जो है हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें उसमें डे 2 से जो है हैवी रेनफॉल जो है सौराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में अमरेली भावनगर गिर सोमनाथ दीव आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है।